आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक कहानी नेऊर, मेरी यानी कि प्रशांत की आवाज में। आकाश में चांदी के पहाड़ भाग रहे थे, टकरा रहे थे, गले मिल रहे थे, जैसे कि सूर्य मेघ संग्राम छिड़ा हुआ हो। कभी छाया हो जाती थी, कभी तेज धूप चमक उठती थी। बरसात के दिन थे, उमस हो रही थी, हवा बंद हो गई थी। गांव के बाहर कई मजूर एक खेत की मेड़ बांध रहे थे, नंगे बदन, पसीने में तर, कछनी कसे हुए, सब के सब फावड़े से मिट्टी खोद करके मेड़ पर रखते जाते थे। पानी से मिट्टी नरम हो गई थी। गोबर ने अपनी कानी आंख मटका करके कहा, अब तो हाथ नहीं चलता भाई, गोल भी छूट गया होगा, चबेना कर लें। नेऊर ने हंस करके कहा, अरे ये मेड़ तो पूरी कर ले, फिर चबेना खा लेना, मैं तो तुझसे पहले आया था। दोनों ने सर पर झउआ उठाते हुए कहा, अरे तुमने अपनी जवानी में जाने कितना घी खाया होगा नेऊर दादा, अरे उतना तो हमने पानी भी नहीं पिया होगा। नेऊर छोटे से डील का काला फुर्तीला आदमी था, उम्र कुछ 50 के ऊपर थी, मगर अच्छे अच्छे नौजवान उसके बराबर मेहनत ना कर सकते थे। अभी 2-3 साल पहले ही उसने कुश्ती लड़ना छोड़ा था। गोबर ने कहा, तुम तमाखू पिए बिना कैसे रह जाते हो नेऊर दादा, यहां तो चाहे रोटी ना मिले लेकिन तमाखू के बिना नहीं रहा जाता। दीना, तो यहां से आकर के रोटी बनाओगे दादा, बुछिया कुछ नहीं करती हमसे तो दादा, ऐसी महरिया से एक दिन ना पटे। नेऊर के पिचके हुए खिचड़ी मूछों से ढके हुए मुख पर हास्य की एक सीमित रेखा चमक उठी, जिसने उसकी कुरूपता को भी सुंदर बना दिया। बोला, अरे जवानी तो उसी के साथ में कटी ना बेटा, तब उससे कोई काम नहीं होता तो मैं क्या करूं। गोबर, अरे तुमने उसे सर पे चढ़ा के रखा है नेऊर दादा, नहीं तो काम क्यों नहीं करती हैं? मजे से खाट पर बैठी चिलम पीती रहती है और सारे गांव से लड़ा करती है। अब तुम तो बूढ़े हो गए लेकिन वो तो अभी जवान है ना। दीना, जवान औरत उसकी क्या बराबरी करेगी, सिंदूर टुकली काजल मेहंदी, अरे इसी सब में तो उसका मन बसता है। बिना किनारदार रंगीन धोती के कभी उसे देखा है हैं? उस पर गहनों से भी जी नहीं भरता। अरे तुम गऊ हो दादा, इसीलिए निभा हो जाता है, नहीं तो अब तक ऐसे गली गली की ठोकरें खा रही होती। गोबर, मुझे तो उसके बनाव सिंगार पे गुस्सा आता है दादा, कुछ करती धरती तो है नहीं और पहनने को अच्छा चाहिए। नेऊर, अरे तुम क्या जानो बेटा, जब वह आई थी ना तो मेरे घर 7 हल की खेती होती थी, रानी बनी बैठी रहती थी, अब जमाना बदल गया, क्या करें। लेकिन उसका मन तो वही है, घड़ी भर चूल्हे के सामने बैठ जाती है ना तो उसकी आंखें लाल हो जाती और मूड थाम करके पर रहती है। मुझसे तो बेटा यह सब नहीं देखा जाता। अब इसी दिन रात के लिए तो आदमी शादी ब्याह करता है, और इसमें रखा ही क्या है फिर, देखो अब यहां से जाकर के रोटी बनाऊंगा, पानी लगाऊंगा, तब दो कौर खाएगी, नहीं तो मुझे क्या था। अब तुम्हारी तरह 4 फंकी मार करके लोटा पिए पानी हम सो लेते। जब से बिटिया मर गई ना, तब से तो वह और भी लस्त हो गई है।
ये बड़ा भारी धक्का लगा है उसको। मां की ममता हम तुम क्या समझेंगे बेटा, पहले तो कभी कभी मैं डांट देता था, अब किस मुंह से डांटूंगा। दीना तुम पेड़ पे काहे को चढ़े थे, अभी गूलर कौन सी पक गई है। नेऊर अरे उस बकरी के लिए थोड़ी पत्ती तोड़ रहा था बेटा, बिटिया को दूध पिलाने के लिए बकरी ली थी, अब बुढ़िया हो गई है लेकिन थोड़ा दूध तो दे देती है, उसी का दूध और रोटी बुढ़िया का आधार है। घर पहुंच करके नेऊर ने लोटा और डोर उठाया और नहाने को चला कि स्त्री ने खाट पर लेटे लेटे ही कहा, अरे इतनी देर क्या कर रहे थे, आदमी काम के पीछे परान थोड़े ही दे देता है, जब मजूरी सबको बराबर मिलती है तो तुम काहे को काम के पीछे ऐसे मरते हो। नेऊर का अंतःकरण एक माधुर्य से सरोबार हो गया, उसके आत्मसमर्पण से भरे हुए प्रेम में मैं की गंध भी नहीं थी। कितना स्नेह है और किसे उसके आराम की, उसके मरने जीने की चिंता है, फिर यह क्यों ना अपनी बुढ़िया के लिए मरे। बोला, अरे तू उस जन्म की कोई देवी होगी बुढ़िया, सच कहता हूं। अरे अच्छा अच्छा रहने दो ये चापलूसी, हमारे आगे अब कौन बैठा हुआ है कि जिसके लिए इतनी हाय हाय करते हो। नेऊर गज भर की छाती लिए हुए स्नान करने के लिए चला गया। लौट करके उसने मोटी मोटी रोटियां बनाई, आलू चूल्हे में डाल दिए और फिर उनका भरता बनाया। फिर बुढ़िया और वह दोनों साथ में बैठ करके खाने लगे। बुढ़िया ने कहा, अरे मेरी जात से तुम्हें कोई सुख न मिला, पड़े पड़े खाती रहती हूँ, तुम्हें तंग करती रहती हूँ, और इससे तो कहीं अच्छा था कि भगवान मुझे ही उठा लेते। अरे भगवान आएंगे ना तो मैं कहूँगा कि पहले मुझे ले चलो, तब इस सोनी झोपड़ी में कौन रहेगा बताओ, तुम ना रहोगे तो मेरी क्या दशा होगी। यह सोच करके मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, मैंने कोई बहुत बड़ा पुण्य किया होगा कि तुम्हें पाया है, किसी और के साथ तो मेरा कैसे निभा होता। ऐसे मीठे संतोष के लिए नेऊर क्या नहीं कर डालना चाहता था। आलसिन लोभिन स्वार्थिन बुढ़िया अपनी जीभ पर केवल मिठास रख करके नेऊर को नचाती रहती थी, जैसे कि कोई शिकारी कांटे में चारा लगा करके मछली को खिलाता है। पहले कौन मरे इस विषय पर आज यह पहली ही बार बातचीत नहीं हुई थी, इसके पहले भी कितनी ही बार यह प्रश्न उठ चुका था या फिर छोड़ दिया गया था। पहले कौन मरेगा इस विषय पर आज यह पहली बार बातचीत नहीं हुई थी, इसके पहले भी कितनी ही बार यह प्रश्न उठा था और या फिर ऐसे ही छेड़ दिया गया था, लेकिन न जाने क्यों नेऊर ने अपनी डिग्री कर ली थी और उसे निश्चय था कि पहले मैं ही मरूंगा। उसके पीछे भी बुढ़िया जब तक रहे आराम से रहे, किसी के सामने उसे हाथ ना फैलाने पड़े, इसीलिए वह मरता रहता था ताकि उसके हाथ में चार पैसे जमा हो जाएं। कठिन से कठिन काम जिसे कोई ना कर सके नेऊर करता था, और दिन भर फावड़े और कुदाल का काम करने के बाद में रात को वह ऊख के दिनों में किसी की ऊख पेरता था या फिर खेतों की रखवाली करता था, लेकिन दिन निकलते जाते थे और जो कुछ भी कमाता था वह भी निकल जाता था। बुढ़िया के बगैर वह जीवन नहीं नहीं, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। लेकिन आज की बात ने नेऊर को सशंक कर दिया था। जल में एक बूंद रंग की भांति यह शंका उसके मन में समा करके उसे अतिरंजित करने लगी थी। गांव में नेऊर को काम की तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन मजदूरी तो उतनी ही मिलती थी जो कि अब तक मिलती आई थी। इस मंदी में वह मजदूरी नहीं रह गई थी। एकाएक गांव में एक साधु कहीं से घूमते फिरते आ निकले और नेऊर के घर के सामने ही पीपल की छांह में उनकी धुनी जल गई। गांव वालों ने अपना धन्य भाग समझा, बाबा जी की सेवा सत्कार करने के लिए सभी जमा हो गए। कहीं से लकड़ी आ गई तो कहीं से बिछाने का कंबल तो कहीं से आटा दाल।
नेऊर के पास में क्या था। बाबा जी के लिए भोजन बनाने की सेवा उसने ले ली। चरस आ गई और दम लगने लगे। दो तीन दिन में ही बाबा जी की कीर्ति फैलने लगी कि वह आत्मदर्शी हैं, भूत भविष्य बता देते हैं और लोभ तो उन्हें छू भी नहीं गया है। पैसा हाथ से छूते नहीं और भोजन भी क्या करते हैं, आठ पहर में एक दो बटियां ही खा लेते हैं। लेकिन मुख पर दीपक की तरह तेज दमक रहा है। कितनी मीठी वाणी है। सरल हृदय नेऊर बाबा जी का सबसे बड़ा भक्त था। उस पर कहीं बाबा जी की दया हो गई तो पारस ही हो जाएगा, सारा दुख दलिद्र मिट जाएगा। भक्तजन एक एक करके चले गए थे और खूब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। केवल नेऊर ही बैठा था और बाबा जी के पैर दबा रहा था। बाबा जी ने कहा, बच्चा संसार माया है, इसमें क्यों फंसे हो। नेऊर ने नतमस्तक होकर के कहा, अज्ञानी हूं महाराज, क्या करूं, स्त्री है, अब उसे किसके सहारे छोड़ दूं। अरे तू समझता है कि स्त्री का पालन करता है तू, तो और किसका सहारा है उसको। बाबा जी, ईश्वर कुछ नहीं है, जो है तू ही है अलख निरंजन। नेऊर के मन में जैसे ज्ञान का उदय हो गया। तू इतना अभिमानी हो गया है कि तेरा दिमाग इतना चलता है, मजदूरी करते करते जान जाती है और तू समझता है कि मैं ही बुढ़िया का सब कुछ हूं। प्रभु जो संसार का पालन करते हैं, तू उनके काम में दखल देने का दावा करता है। उसके सरल हृदय में आस्था की ध्वनि सी उठ करके उसे धिक्कारने लगी। वह बोला, अरे मैं अज्ञानी हूं महाराज। इससे ज्यादा वह और कुछ ना कह सका। आंखों से दीन विषाद के आंसू गिरने लगे। बाबा जी ने तेजस्विता से कहा, देखना चाहता है ईश्वर का चमत्कार, वह चाहे तो क्षण में तुझे लखपति बना दे और क्षण में तेरी सारी चिंताएं हर ले। मैं उसका एक तुच्छ भक्त हूं काकबिष्टा, लेकिन मुझ में भी इतनी शक्ति है कि तुझे पारस बना दूं। तो दिल का सच्चा ईमानदार आदमी है, मुझे तुझ पर दया आती है। मैंने इस गांव में सबको ध्यान से देखा है, किसी में इतनी कोई शक्ति और विश्वास नहीं है। तुझ में मैंने भक्त का हृदय पाया है। तेरे पास में कुछ चांदी है क्या। नेऊर को जान पड़ रहा था कि सामने स्वर्ग का द्वार है। 10-5 रुपए होंगे महाराज। अरे कुछ चांदी के गहने नहीं है। घरवाली के पास कुछ होंगे। अरे कल रात को जितनी चांदी मिले उसे लेकर के यहां पे आ जा। ईश्वर की प्रभुता देख, तेरे सामने मैं चांदी की हांडी में रख करके इसी धुनी में रख दूंगा। अरे कल रात को जितनी चांदी मिल सके लेकर के यहां पे आ जा, और ईश्वर की प्रभुता देख, तेरे सामने मैं चांदी को हांडी में रख करके इसी धुनी में रख दूंगा। प्रातः काल आकर के हांडी निकाल लेना, मगर इतना याद रखना कि उन अशर्फियों को अगर शराब पीने में और जुआ खेलने में या किसी बुरे काम में खर्चा किया तो तू कोड़ी हो जाएगा। अब जा, सो रह जा करके। और हाँ, इतना सुन ले कि इसकी चर्चा किसी से न करना, घर वालों से भी नहीं। नेऊर घर चला तो वह ऐसा प्रसन्न था मानो कि ईश्वर का हाथ उसके सर पर है। रात भर उसे नींद नहीं आई। सवेरे उसने कई आदमियों से 2-2, 4-4 रुपए उधार लेकर के 50 रुपए जोड़े। लोग उसका विश्वास करते थे, कभी किसी का पैसा वह दबाता भी नहीं था। वादे का पक्का, नियत का साफ, रुपए मिलने में दिक्कत नहीं हुई। 25 रुपए तो उसके पास में थे, लेकिन बुढ़िया से वह कैसे गहने ले लेता। फिर उसने एक चाल चली, अरे तेरे गहने बहुत मैले हो गए हैं, ला खटाई से साफ कर देता हूं, रात भर खटाई में रहने से नए से हो जाएंगे। बुढ़िया चकमे में आ गई। हांडी में खटाई डाल करके गहने भिगो दिए गए और तब रात को वह जब सो गई तो नेऊर ने रुपए भी उसी हांडी में डाल दिए और बाबा जी के पास में पहुंच गए। बाबा जी ने कुछ मंत्र पढ़े,
हांडी को छूनी की राख में रखा और नेऊर को आशीर्वाद देकर के विदा किया। रात भर करवटें बदलने के बाद में नेऊर सुबह सुबह जब बाबा जी के दर्शन करने को गया तो क्या देखता है कि बाबा जी तो वहां से गायब है। अधीर होकर के उसने धूनी की जलती हुई राख टटोली, हांडी भी गायब थी। उसकी छाती धक धक कर रही थी। बदहवास होकर के बाबा को खोजने के लिए निकल पड़ा। हाट की तरफ गया, तालाब की ओर पहुंचा। 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा बाबा का कहीं कोई निशान ही नहीं। फिर तो भक्त भी आने लगे कि बाबा गए तो गए कहां, कंबल भी नहीं, बर्तन भी नहीं। एक भक्त ने कहा, रमते साधुओं का तो क्या ही ठिकाना है, आज यहां कल कहीं और। अब एक जगह टिक जाए तो साधु कहेगा, अब लोगों से हेल मेल हो जाएगा तो फिर तो बंधन में पड़ जाएंगे ना। अरे बहुत सिद्ध पुरुष थे, बहुत सिद्ध पुरुष, लोभ तो उनको छू ही नहीं गया था। अरे वो नेऊर कहां है, उस पर तो वो बड़ी दया करते थे, अब उससे तो कह के गए ही होंगे। नेऊर की तलाश होने लगी, कहीं पता नहीं। इतने में बुढ़िया नेऊर को पुकारती हुई घर से निकली, फिर कोलाहल मच गया। बुढ़िया रोती थी और नेऊर को गालियां देती थी। नेऊर खेतों की मेड़ों से बेतहाशा दौड़ता भागता चला जा रहा था, मानो कि जैसे उसे लग रहा है कि सारा संसार उसे निगलने के लिए उसके पीछे भाग रहा है। एक आदमी ने कहा, नेऊर ने कल मुझसे 5 रुपए लिए थे, आज सांझ को देने को कहा था। दूसरा, अरे हमसे भी तो आज ही वो कुछ 2 रुपए लेकर के गया था, अब पता नहीं कहाँ है। बुढ़िया भी रो पड़ी, अरे मेरे सारे के सारे गहने ले गया, 25 रुपए भी ले गया। लोग समझ गए कि बाबा कोई धूर्त था, ऐसे ऐसे ठग बैठे हैं संसार में। नेऊर के बारे में तो ऐसा कभी कोई सोच सकता ही नहीं था, बेचारा सीधा आदमी था, आ गया पट्टी में, अब मारे लाज के कहीं छिपा हुआ बैठा होगा। 3 महीने कुछ इसी तरह से गुजर गए। झांसी जिले में धसान नदी के किनारे एक छोटा सा गांव है काशीपुर। नदी के किनारे एक पहाड़ी टीला है और उस पर कई दिन से एक साधु ने अपना आसन जमाया हुआ है। नाटे कद का आदमी है, काले तवे का सा रंग है, देह गठी हुई है, यह नेऊर है जो कि साधु के वेश में दुनिया को धोखा दे रहा है। वही सरल निष्कपट नेऊर जिसने कभी पराए माल की ओर देखा नहीं, जो कि पसीने की रोटी खा करके मगन था। घर की, गांव की और बुढ़िया की याद एक क्षण भी उसे नहीं भूलती। इस जीवन में फिर कोई दिन आएगा कि वह अपने घर पहुंचेगा और फिर उस संसार में हंसता खेलता अपनी छोटी छोटी चिंताओं और छोटी छोटी आशाओं के बीच आनंद से रहेगा। वह जीवन कितना सुखमय था। जितने थे सब अपने थे, सभी आदर करते थे, सहानुभूति रखते थे। दिन भर की मजूरी, थोड़ा सा अनाज या थोड़े से पैसे लेकर के घर आता था तो बुढ़िया कितने मीठे स्नेह से उसका स्वागत करती थी। वह सारी मेहनत, सारी थकावट उस एक मिठास में सन करके और मीठी हो जाती थी। हाय वे दिन फिर कब आएंगे, न जाने बुढ़िया कैसे रहती होगी, कौन उसे अब पान की तरह फेरेगा, कौन उसे पका करके खिलाएगा। घर में पैसा भी तो नहीं छोड़ा, गहने तक तो उड़ा दिए। तब फिर उसे क्रोध आता था कि उस बाबा को अगर वो पा जाएगा ना तो कच्चा ही खा जाएगा। हाय लोभ, हाय लोभ। उनके अनन्य भक्तों में एक सुंदरी युवती भी थी जिसके पति ने उसे त्याग दिया था। उसका बाप फौजी पेंशनर था। एक पढ़े लिखे आदमी से लड़की का विवाह किया, लेकिन लड़का मां के कहने में था और युवती की अपनी सास से पटती नहीं थी। वह चाहती थी कि शौहर के साथ में सास से अलग रहे। शौहर अपनी मां से अलग होने पर राजी ना हुआ। वह रूठ करके मैके चली आई।
तब से 3 साल हो गए थे और ससुराल में एक बार भी बुलावा ना आया था, ना ही पतिदेव आए थे। युवती किसी तरह पति को अपने वश में कर लेना चाहती थी। महात्माओं के लिए किसी का दिल फेर देना क्या कोई मुश्किल काम है? हां, बस उनकी दया चाहिए। एक दिन उसने एकांत में बाबा जी से अपनी विपत्ति कह सुनाई। नेऊर को जिस शिकार की टोह थी वह आज मिलता हुआ जान पड़ा। गंभीर भाव से बोला, बेटे मैं ना सिद्ध हूं ना महात्मा हूं ना संसार के झमेलों में पड़ता हूं, पर तेरी साधना और प्रेम देख करके मुझे दया आती है। भगवान ने चाहा तो तेरा मनोरथ पूरा हो जाएगा। आप समर्थ हैं बाबा जी, आपके ऊपर मुझे पूरा भरोसा है। अरे भगवान की जो इच्छा होगी वही होगा। अब इस अभाग्नि को आप ही पार लगाएंगे, आप ही मेरे भगवान हैं। नेऊर ने मानो धर्म संकट में पड़ करके कहा, लेकिन बेटी उस काम में बड़ा अनुष्ठान करना पड़ेगा और इस अनुष्ठान में सैकड़ों हजारों रुपए का खर्च है। उस पर भी तेरा काज सिद्ध हो जाएगा कि नहीं मैं कह नहीं सकता। हाँ, मुझसे जो कुछ भी हो सकेगा वह मैं कर दूंगा, पर सब कुछ भगवान के हाथ में है। मैं माया मोह को हाथ से नहीं छूता, लेकिन तेरा दुख नहीं देखा जाता। उसी रात को युवती ने अपने सोने के गहनों की पिटारी लाकर के बाबा जी के चरणों में रख दी। बाबा जी ने कांपते हुए हाथों से पिटारी खोली और चंद्रमा के उज्जवल प्रकाश में आभूषणों को देखा। उनकी पलकें झपक गईं। यह सारी माया उनकी है। वह उनके सामने हाथ बांध करके खड़ी है और कह रही है कि मुझे अंगीकार कर लीजिए, कुछ भी तो नहीं करना है, बस केवल पिटारी लेकर के अपने सिरहाने रख लेना है और युवती को आशीर्वाद देकर के विदा कर देना है। प्रातःकाल वह आएगी, उस वक्त वह उतना ही दूर होंगे जहां तक उनकी टांगें ले जाएंगी। ऐसा आशातीत सौभाग्य। जब वह रुपए से भरी थैलियां लिए हुए गांव में पहुंचेंगे और बुधिया के सामने रख देंगे, ओह, इससे बड़े आनंद की तो वह कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन न जाने क्यों इतना जरा सा काम भी उससे हुआ नहीं। वह पिटारी को उठा करके अपने सरहाने कंबल के नीचे दबा करके नहीं रख सकता। लेकिन न जाने क्यों इतना जरा सा काम भी उससे नहीं हो सकता था। वह पिटारी को उठा करके अपने सिरहाने कंबल के नीचे दबा करके नहीं रख सकता। है कुछ नहीं, पर उसके लिए मुश्किल है, असाध्य है। वह उस पिटारी की ओर बढ़ भी नहीं सकता। इतना कहने में कौन सी दुनिया उल्टी जाती है कि बेटी इसे उठा करके इस कंबल के नीचे रख दे, जबान कट तो ना जाएगी। मगर अब उसे मालूम होता है कि जबान पर भी उसका काबू नहीं। आंखों के इशारे से भी वह काम हो सकता है, लेकिन उस समय आंखें भी बगावत कर रही हैं। मन का राजा इतने मंत्रियों और सामंतों के होते हुए भी आसक्त है, निरीह है, और लाख रुपए की थैली सामने रखी हो, नंगी तलवार हाथ में हो, गाय मजबूत रस्सी से सामने बंधी हो, क्या उस गाय की गर्दन पर उसके हाथ उठेंगे? कभी नहीं। उसकी गर्दन भले ही कट जाए वह गौ की हत्या नहीं कर सकता। वह परित्यक्ता उसी गौ के समान थी और वह उसकी हत्या किसी भी हाल में नहीं कर सकता था। जिस अवसर को वह 3 महीने से खोज रहा था उसे पाकर के आज उसकी आत्मा कांप रही थी। तृष्णा किसी वन्य वस्तु की भांति अपने संस्कार से आखेट प्रिय है, लेकिन जंजीरों से बंधे बंधे उसके नख गिर गए और दांत कमजोर हो गए। उसने रोते हुए कहा, बेटी पिटारी उठा के ले जाओ, मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, तुम्हारा मनोरथ पूरा हो जाएगा। चांद नदी के पार वृक्षों की गोद में विश्राम कर चुका था। नेऊर धीरे से उठा और धसान में स्नान करके एक ओर चल दिया। भभूत और तिलक से उसे घृणा हो रही थी। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह घर से निकला ही कैसे। थोड़े उपहास के भय से उसे अपने अंदर एक विचित्र उल्लास का अनुभव हो रहा था, मानो कि वह बेड़ियों से मुक्त हो गया हो।
कोई बहुत ही बड़ी विजय उसने प्राप्त कर ली हो। आठवें दिन नेऊर अपने गांव पहुंचा। लड़कों ने दौड़ करके कुछ उछल कूद की और उसका स्वागत किया। एक लड़के ने उससे कहा, काकी तो मर गई दादा। नेऊर के पांव जैसे बंध गए, मुंह के दोनों कोने नीचे झुक गए, दीन विषाद आंखों में चमक उठा। कुछ बोला नहीं, कुछ पूछा भी नहीं, पल भर जैसे निस्संग खड़ा रहा, फिर बड़ी तेजी से अपनी झोपड़ी की ओर चला। बालक वृंद भी उसके पीछे दौड़े, मगर उनकी शरारत और चंचलता भाग चली थी। झोपड़ी खुली पड़ी थी और बुधिया की चारपाई जहां की तहां थी, उसकी चिलम और नरियल जैसे के तैसे रखे हुए थे। एक कोने में दो चार मिट्टी और पीतल के बर्तन पड़े हुए थे। लड़के बाहर ही खड़े रह गए। झोपड़ी के अंदर कैसे जाएं? वहां तो बुढ़िया बैठी होगी। गांव में भगदड़ का सा माहौल हो गया। नेऊर दादा आ गए हैं, झोपड़ी के द्वार पर ही भीड़ लग गई। प्रश्नों का तांता बंध गया कि तुम इतने दिन कहां रहे दादा? तुम्हारे जाने के बाद में तीसरे ही दिन काकी चल बसी। रात दिन तुम्हें गालियां देती थी, मरते मरते तुम्हें गरियाती रही, तीसरे दिन आए तो मरी पड़ी थी। तुम इतने दिन कहां थे दादा? नेऊर ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल शून्य निराश करुण आहत नेत्रों से लोगों की ओर देखता रहा, मानो कि उसकी वाणी हर ली गई हो। उस दिन से किसी ने उसे बोलते या रोते या हंसते नहीं देखा। गांव से आधे मील पर पक्की सड़क है, अच्छी आमदरफ्त है। नेऊर बड़े सवेरे जाकर के सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। किसी से कुछ मांगता नहीं, पर राहगीर कुछ ना कुछ दे ही देते हैं, चबेना, अनाज, पैसे। संध्या समय वह अपनी झोपड़ी में आ जाता है, चराग जलाता है, भोजन बनाता है, खाता है और उसी खाट पर पड़ा रह जाता है। उसके जीवन में जो एक संचालक शक्ति थी वह लुप्त हो गई है। वह अब केवल जीवनधारी है। कितनी गहरी मनोव्यथा है। गांव में प्लेग आया, लोग घर छोड़ छोड़ करके भागने लगे। नेऊर को अब किसी की भी परवाह नहीं थी। न उसे किसी से भय था और ना ही किसी से प्रेम था। सारा गांव भाग गया, नेऊर अपनी झोपड़ी से नहीं निकला। और आज भी वह उसी पेड़ के नीचे सड़क के किनारे उसी तरह मौन बैठा हुआ नजर आता है, निश्चेष्ट, निर्जीव। तो यह थी मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई एक कहानी, नेऊर। नेऊर कहानी बताती है ऐसे बाबाओं के बारे में जो कि दुखी लोगों का इस्तेमाल करते हैं अपने किसी ना किसी बुरे मंसूबे को हासिल करने के लिए। इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ। भोले भाले नेऊर का फायदा उठाया गया, उसे लूटा गया, सारे गांव को लूटा गया और फिर वो बाबा भाग गया। अक्सर हमने यही देखा है कि वो ज्यादातर लोग जो कि धर्म के रखवाले या बाबा और साधु बन जाते हैं, उनकी जो हकीकत है वो कुछ और ही होती है। और इसी तरह से कुछ मिशनरीज, कुछ मौलाना गरीब लोगों का, दुखी लोगों का फायदा उठा करके उनको कन्वर्ट भी करते रहते हैं। तो हर तरह के धर्म के ठेकेदार कहीं ना कहीं एक खतरे की घंटी है और इनसे सावधान रहने की जरूरत है। तो बहुत अच्छी कहानी थी और सुनाने में थोड़ा दुख भी हुआ और थोड़ी एजुकेशन भी मिली। अगर आपको ये कहानी सुनने में अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।